शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों को साल 2023 में कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि साल 2023 उनके लिए काफी अच्छा हो। आप उन उपायों को करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं, साथ ही जिंदगी के सफर में आने वाले बाधाओं और कठिन परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल तरीका है, 2023 बस आ ही गया है तो उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। वृषभ राशि के जातक अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप तो बहुत मेहनत करते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और ये भौतिक सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इस राशि के लोगों को छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होता है। आप छह मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। छह मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। शिव महापुराण के अनुसार इस रुद्राक्ष को विधिवत धारण करने और नियमित पूजन करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। और इस रुद्राक्ष को धारण करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ नेतृत्व क्षमता करने की जो क्षमता है, बेसिकली नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित होती है। शरीर में आने वाले रोगों को भी ये दूर कर सकता है। इस रुद्राक्ष को विधिवत पूजन कर धारण करने से भगवान कार्तिकेय का विशेष आशीर्वाद। अब आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको अपनी सफलताओं को लेकर अहंकार नहीं करना है। आर्थिक मामलों को लेकर किसी पर अत्यधिक भरोसा बिल्कुल नहीं करें। किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें। वादा करके मुकरने नहीं। पत्नी या स्त्री से झगड़ा नहीं करना है। व्यभिचार या अप्राकृतिक कृत्य से दूर रहें। झूठ नहीं बोलें। शुक्रवार को कोशिश कीजिए कि खटाई ना खाएं। किसी को अनावश्यक परेशान बिल्कुल नहीं करें। सफेद चीजों का प्रयोग आपको अधिक करना है। शक्कर का सेवन कम करें। चांदी के बर्तन में पानी पिएं। अनैतिक संबंधों से बचें। मौसी या मौसाजी को उपहार दीजिए। बच्चों का अनादर मत कीजिए। मंदिर में ध्वजा दान करें और पत्नी का आदर करें, इसका ध्यान रखना है। बुद्धि और स्मृति के लिए 2023 में आप रत्न पहने, वृषभ राशि के जातक, और बिल्कुल रत्न का चुनाव जो आप करेंगे ज्योतिष से सलाह से करेंगे, इसलिए रत्न में बताने का मतलब नहीं बनता है। साल 2023 में मजबूत राहु की ऊर्जा को कम करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करने का प्रयास करें, अभ्यास कीजिए। अच्छे वित्त के लिए संपूर्ण श्रीयंत्र की पूजा करें। आप स्फटिक के श्रीयंत्र की स्थापना कीजिए अपने घर में। जितना ज़्यादा बड़ा होगा स्फटिक श्रीयंत्र उतना ज़्यादा अच्छा होगा। shivago.com से आपको मिल भी जाएगा, omja.com से मिल जाएगा। और 2023 में गुरु का व्रत यदि आप करते हैं तो आपके करियर में वृद्धि होगी। खास करके 2023 के पहले कुछ महीनों में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और अपनी वित्त स्थिति या कामकाज को लेकर निर्णय में लेकर आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को माता महालक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। गुलाबी और चमकदार सफ़ेद रंग का अधिक प्रयोग करें और माता महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का इच्छा अनुसार आप जाप कीजिए। अलौकिक श्रीयंत्र, जैसा कि मैंने आपको श्रीयंत्र बोला, जब स्थापित कर लेंगे तो उसकी पूजा भी करनी है। शनिवार के दिन चींटियों को आटा खाने के लिए डालें, मछलियों को दाना डालें, स्फटिक की माला धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का ओपल रत्न जो है वो आपके लिए लाभदायक रहेगा, पर ज्योतिष से पूछ कर। स्वास्थ्य की उत्तम हो तो शुक्रवार का भी व्रत आप रख सकते हैं, बेनिफिट होगा इससे आपको। तो ये सब यदि आप करते हैं तो जीवन के सभी कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं वृषभ राशि के जातक। आप बस फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफस्टाइल है सब चेंज होने होती चली जाएगी।